लेकिन एकाएक जो है प्रधानमंत्री का वहां कार्यक्रम बन गया और उस कार्यक्रम में बनने से इंडिया टीम जो है दबाव में आ गया। एक प्रधानमंत्री को ये क्रिकेट जो जहां मैच हो रहा था वहां खिलाड़ियों पर जाकर के दबाव बनाने का प्रेशर बनाने का क्या उचित? महागठबंधन की सरकार में तेज गति से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये बने प्रधानमंत्री बने मोदी जी, इंडिया का जो है स्थिति गड़बड़ा गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ताजा संस्करण में करीब करीब अपराजय सी देखने वाली टीम इंडिया फाइनल मैच हार गई और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। क्या लगता है सर, क्यों हारी इंडिया? देखिए, जो इंडिया टीम कहीं किसी भी तरह से बैटिंग लाइन से देख लीजिए, बॉलिंग लाइन से देख लीजिए, क्षेत्र रक्षण लाइन से भी देख लीजिए, कहीं से भी इंडिया टीम को ये काटने वाला नहीं था, कहीं से भी कहीं नोकता नहीं था। लेकिन एकाएक जो है प्रधानमंत्री का वहां कार्यक्रम बन गया और उस कार्यक्रम में बनने से इंडिया टीम जो है दबाव में आ गया। एक प्रधानमंत्री को ये क्रिकेट जो जहां मैच हो रहा था वहां खिलाड़ियों पर जाकर के दबाव बनाने का प्रेशर बनाने का क्या उचित? उनके जाने से इंडिया टीम जो था उनको प्रेशर में आने के वजह से बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन जो है सब गड़बड़ा गया, जिसके वजह से इंडिया टीम की हार हुई। आप तो इस बात को जानते हैं कि देश जो है कितनी महागठबंधन की सरकार में तेज गति से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये बने प्रधानमंत्री बने मोदी जी, इंडिया का जो है स्थिति गड़बड़ा गया। आप देखे होंगे कि रेलवे का लाइन लेंथ गड़बड़ा गया, रेलवे का लाइन लेंथ गड़बड़ा गया, आए दिन जो है रेलवे में एक्सीडेंट होना शुरू हो गया। रेलवे जो है वो अपना बजट पेश करता था, वो उसको बजट जो है उसको बजट पेश जो करते थे उसको खत्म कर दिया गया। हर साल जो है लाखों युवाओं को रेलवे में नौकरी मिलता था, वो खत्म हो गया। तो ये जो है कुलक्षणी प्रधानमंत्री हैं, आने के बाद से इनके आने के बाद से इंडिया जो है 100 साल पीछे चल गया। अब इंडिया को ग्रोथ में लाने के लिए ये कुलक्षणी प्रधानमंत्री को हटाइएगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। और नहीं तो जहां जाते हैं वहीं जो है भारत की हार होता है, वहीं जो है भारत का लाइन लेंथ गड़बड़ाता है, वहीं भारत का आर्थिक स्थिति चरमरा जाता है। तो ऐसे कुलक्षणी प्रधानमंत्री के वजह से ही इस तरह की जो है इंडिया टीम की हार हुआ है और सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को इस हार का खुद को श्रेय लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम, जिन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हार का ठीकरा फोड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य।